हाय देयर यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको टाइटल से दिख रहा है, आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू अ प्रोसेस जिससे मैं बेसन मलाई एक फेस पैक बनाने जा रही हूँ। तो अगर आपके घर पे मलाई, दूध का मलाई अवेलेबल नहीं है, तो आप कर्ड या फिर प्लेन मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इस मास्क के लिए, मास्क या फेस पैक जो भी आप इसको बोले, इसके लिए आपको लगने वाला है रोज़ वाटर। आप इसके लिए डाबर का या पतंजलि का गुलाब जल भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त खादी गोल्ड का ये रोज़ वाटर है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्किन टोनर के हिसाब से काम करता है, तो मैं वो ले रही हूँ। मेरे पास दूध का मलाई है थोड़ा सा, आई हैव टेकन लगभग 1.5 टीस्पूंस ऑफ मलाई, एंड मैं 1 टीस्पून बेसन अभी इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो मैंने ये बेसन ले लिया, अब मैं इसको ऐसे मिक्स करना स्टार्ट करूँगी। जो मलाई है एंड बेसन है, दोनों थोड़े से सॉलिड है, तो उनको मिक्स करके एक थिन कंसिस्टेंसी मिलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, विच इज़ व्हाई आई विल नाउ ऐड द रोज़ वाटर। थोड़े से ड्रॉप्स ही आप ऐड करें, ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। एंड अभी आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है, ताकि कोई भी लम्स ना रहे, यानी अच्छे से आपका जो है यूनिफॉर्म एक कंसिस्टेंसी में आ जाए। सो गाइज, स्पून से ये बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, सो आई गॉट माई ब्रश जिससे मैं ये फेस पैक अप्लाई करूँगी अपने फेस पे, एंड इस ब्रश से ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा। देखिए, आपको बेसिकली इसमें कोई भी लम्ब्स नहीं छोड़ना है, दैट इज़ वॉट यू नीड टू एंश्योर। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, लाइक यू कैन सी। दो चीज़ें मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आप इसमें थोड़ा सा जो है टोमेटो पल्प या फिर टोमेटो प्यूरी ऐड कर सकते हैं, दैट विल हेल्प डी टैन योर स्किन। एंड अगर आप चाहे तो इसमें आप हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, जो कि आपके जो स्किन टोन है उसको थोड़ा सा लाइटन करने में हेल्प करता है। सो गाइज, विद दैट आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये अच्छा लगे, एंड इसमें तीन बहुत ही ईजी इन्ग्रीडियंट्स थे जो मैंने इस फेस पैक के लिए यूज़ किया है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।